हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 22 जून के सेकंड शिफ्ट के एसबीआई क्लर्क के कुछ इंग्लिश क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजे हैं मेल के द्वारा। तो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, और इनके थ्रू आपका आपको एक आइडिया लगेगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे हायर लेवल पर क्वेश्चंस आ सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इडियम मैंने पहले पढ़ाया था यूट्यूब पर, मैंने पढ़ाया था ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फुल स्टीम अहेड। फुल स्टीम अहेड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी पूरी एनर्जी के साथ करना, पूरी ताकत के साथ करना किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शंस में ये सारे दिए हैं इन्होंने, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इंटरप्टिंग एन एक्टिविटी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, किसी एक्टिविटी को इंटरप्ट करना यानी रोकना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एक्टिंग कॉशसली, कॉशसली मतलब थोड़ा सा सावधान होके एक्टिंग करना, ये नहीं होगा, ठीक है। ग्रेट इंक्रीज, इसको ग्रेट इंक्रीज ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। और प्रूडेंट प्रोग्रेशन, प्रूडेंट प्रोग्रेशन मतलब बुद्धिमानी पूर्ण, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, ठीक है। प्रूडेंट प्रोग्रेशन भी इसका नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। प्रोग्रेसिंग क्विकली इसका एक्चुअली नियर जो मीनिंग है वो होगा। फुल स्टीम अहेड का मतलब पूरी ताकत से किसी काम को करना, ठीक है। तो इसमें या तो डी अगर ऑप्शन दिया है तो डी होगा, या अदरवाइज फोर ऑप्शन इसमें होगा। तो सिंपल है, ये सारे इडियम्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। और ये कुछ एरर्स के क्वेश्चंस हैं। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। यस्टरडे देखिए किसको इंडिकेट करता है, यस्टरडे इंडिकेट करता है पास्ट को, ठीक है। मेट भी इंडिकेट करता है पास्ट को, तो ये दोनों वर्ब्स इसमें पास्ट में हैं, तो इसीलिए ये जो वर्ब होगी ये भी पास्ट में होगी। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि इसमें एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया गया है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके बीच में कोई यहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई है। तो नॉर्मली पास्ट कंटिन्यूस टेंस को और पास्ट सिंपल टेंस को मिला के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड से, एक पुराने फ्रेंड से मिला, किस समय, जब, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो इसमें एम के स्थान पर यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा और थर्ड इसमें सही आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस बार एसबीआई क्लर्क में और इवन एसबीआई पीओ में काफ़ी सरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाएगा। और लेकिन इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होंगे, जो जो स्टूडेंट थोड़े से सीरियस हैं डेफिनेटली उनके सिलेक्शन इस बार होंगे। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इसमें इस वीडियो क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मैं फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से इसको, ठीक है। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, एफएटीएफ स्ट्रांगली अर्जेज पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर 2019 टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री। FATF एक्चुअली होता है एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो स्ट्रांगली अर्जेज, ये अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, पाकिस्तान से। क्या करने के लिए अर्ज कर रहा है, कि वो कंप्लीट करे इसका एक्शन प्लान, स्विफ्टली कंप्लीट करे। ये एडवर्ब है यहाँ पर, ये कंप्लीट से कंप्लीट वर्ब है, और इससे पहले ये एडवर्ब आया जो कि सही है। इट्स एक्चुअली सही है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए आया है, ठीक है। तो हिज और हर यहाँ पर गलत होता, इट्स यहाँ पर सही है क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये आया है। बाय अक्टूबर 2019 ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक्चुअली बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं, ठीक है, इसके पहले हो सकता है लेकिन इसके बाद नहीं। तो अक्टूबर 2019 तक एफएटीएफ ने पाकिस्तान से अर्ज किया है कि वो अपना एक्शन प्लान कंप्लीट कर ले टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री, ठीक है। किस चीज़ के लिए एक्शन प्लान बनाना है, कि उसको टेरर फंडिंग, जो आतंकवादियों को जो फंडिंग की जाती है उसको स्टॉप करना है। टेरर फंडिंग सही वर्ड है, कंट्री भी सही है। तो एक्चुअली ये जो सेंटेंस लिया गया है ये किसी न्यूज़ में से लिया गया है, और न्यूज़ आर्टिकल में जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्जेस यहाँ पर सही है।
एफ ए टी एफ ये सिंगुलर है तो इसलिए अर्जेंट यहाँ पर सही है। पाकिस्तान नॉन लिविंग एंटिटी है इसलिए इट्स यहाँ पर सही है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। बाय भी यहाँ पर सही है, इन द कंट्री भी सही है। तो इस सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा नो एरर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में कोई ना कोई एरर हो, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नो एरर वाले सेंटेंस में भी गलती निकाल देते हैं और उनका सेंटेंस हो जाता है गलत। तो ये एक बहुत ही क्रूशल ये मिस्टेक है। ठीक है, यदि आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच, सारे सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड कॉम्बिनेशन सही लग रहे हैं तो वो सेंटेंस डेफिनेटली नो एरर का एक सेंटेंस होगा। इलॉन मस्क के बारे में ये एक सेंटेंस पूछा गया है। इलॉन मस्क एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, स्पेस एक्स और बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी। तो इलॉन मस्क इज डिटरमिंड, मतलब इलॉन मस्क कैसे हैं, डिटरमिंड हैं। इसके बाद ये जो डिटरमिंड है ये यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है, एक एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है कि इलॉन मस्क जो हैं वो डिटरमिंड हैं। किस लिए? टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड ही चूजेस। तो ही सिंगुलर है तो चूजेस तो यहाँ पर ये सही है, यानी इलॉन मस्क डिटरमिंड हैं, दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया है कि वो जो भी फील्ड चूज करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो बी के बाद ये जो बी होता है, देखिए इसको आप लॉजिक से समझिए। जैसे हम बोलते हैं बी इंटेलिजेंट, बी ब्रेव, बी रेगुलर इन द क्लास, यानी क्लास में रेगुलर रहिए। तो बी का मतलब क्या होता है? बी के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बी का मतलब होता है होना। ठीक है, यानी ये किसी स्टेट को बताता है, तो इसलिए इसके बाद केवल एडजेक्टिव ही आ सकता है। तो सक्सेस एडजेक्टिव नहीं है, सक्सेस नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव होगा इसका सक्सेसफुल। तो इलॉन मस्क इज डिटरमिंड टू बी सक्सेसफुल, इलॉन मस्क डिटरमिंड है किस लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, किस फील्ड में, जिस भी फील्ड को वो चूज करते हैं। तो यहां तो या आप यहां पर देखिए कई तरीके से इसको कर सकते हैं। इलॉन मस्क इज डिटरमिंड टू बी, यदि इसको आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर यहां पर फिर ए लगाना पड़ेगा, टू बी अ सक्सेस। ठीक है, लेकिन इलॉन मस्क की चूंकि बात कर रहे हैं और इलॉन मस्क एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, एक व्यक्ति सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकता है। और बी के बाद वैसे भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं, बी ब्रेव, बी क्लेवर, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एडजेक्टिव ही होगा और सक्सेस का एडजेक्टिव फॉर्म होता है सक्सेसफुल। तो ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, ये इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया। और बैंकिंग के एग्जाम्स का थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है रीसेंट टाइम्स में, और IBPS PO का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, और IBPS PO के लिए मैं इंग्लिश का ऑनलाइन कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च करूँगा, स्पेशल कोर्स IBPS PO के लिए, तो उसको भी आप जल्दी ही ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस और दिया है, न्यू परचेजिंग पावर। न्यू परचेजिंग पावर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, तो ये वर्ब है। न्यू परचेजिंग पावर विल कम फ्रॉम एशिया, कम एक्चुअली इसमें वर्ब है, वर्ब के पहले लगा हुआ है एडवर्ब, जो कि सही है। फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? डेमोग्राफिक्स पॉपुलेशन का एक डेटा होता है, ठीक है, और डेटा होता है प्लूरल, इसलिए डेमोग्राफिक्स के बाद आर सही है। वेयर डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल फॉर हायर इनकम ग्रोथ। ठीक है, ये इकोनॉमी से एक सेंटेंस लिया है जो कि सही है। न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, मतलब जो लोगों की एक नई परचेजिंग पावर है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, कहाँ पर? एशिया और अफ्रीका में, जहाँ पर डेमोग्राफिक्स जो हैं, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा हैं वो फेवरेबल हैं। फैक्टर्स बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक्स हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए सिचुएशंस फेवरेबल हैं, स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ। तो सही है ये सेंटेंस, एक्चुअली इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। ठीक है, डेमोग्राफिक्स के बाद आर सही है, इंक्रीजिंगली के बाद कम सही है क्योंकि कम एक वर्ब है, न्यू परचेजिंग पावर सही है। तो इस तरीके से सेंटेंस को एनालाइज करना है तभी आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड, मतलब उसने जो जोक क्रैक किया उस पर ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि प्रिंसिपल भी हंस रहे थे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और इसमें हम जो वर्ब लेते हैं वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं,
या इसको ऐसे मान सकते हैं कि सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू यानी वर्ब वर यानी यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। और प्रिंसिपल जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आपका वॉज, यहाँ पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक ये फिलअप का क्वेश्चन मुझे भेजा है किसी स्टूडेंट ने कि ये पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, द लॉ फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव एंड रीसो मल्टीप्लाई सीड्स बट ऑल्सो टू सेल देम टू अदर फार्मर्स नो मैटर वॉट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सीड इज। देखिए लॉ का काम क्या क्या करना होता है, लॉ कवर्ड का मतलब होता है कवर करना या कॉन्फिडेंशियली या सीक्रेट तरीके से किसी काम को करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। द लॉ इम्प्लीमेंट्स फार्मर, क्या लॉ फार्मर को इम्प्लीमेंट कर सकता है? इम्प्लीमेंट हम किस चीज़ को करते हैं, किसी लॉ को, किसी पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एमिट एमिशन जो होता है गैस वगैरह का छोड़ना, उसको हम बोलते हैं एमिट। परमिट कर सकता है लॉ, डिजर्ट मतलब अकेला छोड़ना, तो लॉ फार्मर्स को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो यदि आप लॉजिकली देखें तो परमिट्स इसमें सही है, परमिट्स में एस भी लगा है क्योंकि लॉ सिंगुलर है यहाँ पर, तो परमिट्स लॉजिकली भी सही है, कॉन्टेक्चुअली भी सही है। द लॉ परमिट्स फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव एंड मल्टीप्लाई सीड्स बट ऑल्सो टू सेल देम, मतलब लॉ फार्मर्स को परमिट करता है कि वो सेव करें जो सीड्स होते हैं उनको, और वो बेच सकते हैं दूसरे फार्मर्स को। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, और परमिट ही इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बार पैसिव वॉइस के पूछे गए हैं। स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड यानी स्मॉल फार्मर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए। जब पैसिव वॉइस हम लगाते हैं तो उसमें एक एजेंट होता है जिसके द्वारा कोई काम उस डूअर के ऊपर किया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, एक बेसिक अंतर मैं बताता हूँ। एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है वो खुद काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में उस डूअर के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। जैसे यदि मैं बोलता हूँ कि आई टीच, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा काम हो रहा है, डूअर इसमें एक्टिव है। और यदि मैं बोलता हूँ कि आई एम टॉट यानी मेरे को पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई काम होता है, और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये मस्ट बी जो होता है, मस्ट बी, कैन बी, शुड बी, ये प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस होता है। तो स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड, स्मॉल फार्मर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए। एंड अब यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, चूंकि ये वर्ब एजुकेटेड यहां पर थर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर भी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब वो एजुकेटेड से मिलती जुलती वर्ब होगी। तो एजुकेटेड से मिलती जुलती वर्ब कौन सी है, किसी व्यक्ति को यदि हम एजुकेट करते हैं तो उसको हम इनकरेज भी करते हैं, उसका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। तो एजुकेटेड और इनकरेज ये लॉजिकली कनेक्टेड वर्ड हैं। ठीक है, इनकरेज में थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, तो उस हिसाब से भी ये वर्ब सही है। फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित करना, तो फैसिनेटेड का कुछ तो कोई सेंस नहीं है। एजुकेटेड एंड डिस्करेज ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेट का मतलब पढ़ाना, डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना। ठीक है, हार्वेस्टिंग एक्चुअली होता है फसल के लिए, जब फसल उग जाती है उसको हम काट के जब इकट्ठा करते हैं खेतों में स्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टेड नहीं आएगा, स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड हार्वेस्टेड, इसका मतलब हो जाएगा कि किसानों को हार्वेस्ट करना चाहिए, किसानों को हार्वेस्ट किया जाना चाहिए। हार्वेस्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब किसानों को इकट्ठा किया जाना चाहिए, जो कि सेंसलेस होगा और थोड़ा सा फनी भी होगा। तो हार्वेस्टेड का तो कोई मीनिंग ही निकलना, और स्मॉल फार्मर मस्ट बी एजुकेटेड एंड इनवाइटेड, यानी एजुकेट के साथ इनवाइटेड वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि एंड के साथ ये दोनों वर्ब जुड़े हुए हैं, तो एजुकेटेड का इक्विवेलेंट वर्ब ही आएगा और वो भी थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए यहाँ पर केवल और केवल इनकरेज वर्ड ही सही होगा। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड इनकरेज्ड विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू एंगेज विद एग्रीकल्चर, मतलब स्मॉल फार्मर्स जो हैं, छोटे किसान जो हैं, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए और इनकरेज किया जाना चाहिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर के साथ, यदि वो अच्छा काम करते हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए।
तो ये इसमें बोला जा रहा है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है और ग्रामर का ही, बेसिक ग्रामर का ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए, रायपुर डिस्पाइट बीइंग बिटवीन टू रिवर्स द कृष्णा एंड द तुंग भद्रा, मतलब रायपुर जो है वो दो नदियों के बीच में है, कृष्णा और तुंग भद्रा के बीच में। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, यहां पर लगा हुआ है बीइंग, बीइंग के बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्पाइट बीइंग। अब दो नदियों के बीच में वो क्या है, सराउंडेड तो होगा नहीं, क्योंकि सराउंडेड का मतलब तो होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि वो दो नदियों के बीच में है, ठीक है। तो या तो सिचुएटेड लगा सकते हैं हम, या लोकेटेड लगा सकते हैं, तो लोकेटेड यहां पर आपका इसमें सही आंसर होगा। सराउंडेड का मतलब चारों तरफ से घिरा होना, रिवील्ड का मतलब प्रकट होना, सेटल थर्ड फॉर्म आएगा तो सेटल तो वैसे भी नहीं आएगा और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो लोकेटेड यहां पर आपका सही आंसर होगा। रायपुर डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड, रायपुर हालांकि दो शहरों के बीच में लोकेटेड है, दो नदियों के बीच में लोकेटेड है, इस और इसके बावजूद भी वो डस्ट बोल बन जाता है मई फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में वो डस्ट बोल बन जाता है, मतलब काफ़ी काफ़ी धूल उड़ती है वहां पर, तो लोकेटेड यहां पर आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया। और एक ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पैराजम्बल के क्वेश्चन को। इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव। देखिए, इट से कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि इट 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 क्या है, प्रोनाउन है, प्लस से स्टार्ट नहीं होगा, प्लस का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी यहाँ पर हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, टू ऐड, ये भी एक एक्चुअली इन्फिनेटिव फ्रेज है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी फाउंड दैट इनकॉर्पोरेटिंग बाउट्स ऑफ सिमुलेटेड लाफ्टर इन टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम हेल्प इम्प्रूव ओल्डर एडल्ट मेंटल हेल्थ एज वेल एज देयर एरोबिक इंड्योरेंस। देखिए, ये सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हम ये बोल रहे हैं कि सिमुलेटेड लाफ्टर, सिमुलेटेड एक्चुअली सिमुलेट सिमुलेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कॉपी करना। जैसे यदि आप ड्राइविंग सीखते हैं तो सिमुलेटर पर उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, एक एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट किया जाता है ड्राइविंग का। तो आर्टिफिशियल जो लाफ्टर है, जैसे जैसे कुछ लोग योगा करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हंसते हैं, वो रियल हंसी नहीं होती है, वो सिमुलेटेड लाफ्टर होता है, उसी की इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये पाया है कि यदि सिमुलेटेड लाफ्टर को अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में आप इंक्लूड करें तो ये ओल्डर एडल्ट्स के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा ये हो सकता है, लेकिन इससे पहले इस एक्सरसाइज का एक रेफरेंस आना चाहिए, वो रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ये बीच में से सेंटेंस दिया है। अब देखिए, इसको देखिए, बिलीव इट अ नॉट इट इज पॉसिबल टू लाफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ फनी इवेंट एंड सिमुलेटेड लाफ्टर कैन बी जस्ट एज बेनिफिशियल एज द रियल थिंग, ठीक है। यहां पर ये एक्चुअली एक ओरिजिनल आइडिया है कि चाहे आप विश्वास करें या ना करें, इट इज पॉसिबल टू लाफ, मतलब हंसना पॉसिबल है विदाउट फनी इवेंट, कोई नॉर्मली हम जोक पर हंसते हैं या कोई फनी इवेंट पर हंसते हैं, लेकिन उसके बिना भी हंसना पॉसिबल है, सिमुलेटेड लाफ्टर के थ्रू हंसना पॉसिबल है, और सिमुलेटेड लाफ्टर के थ्रू हंसना भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि रियल हंसना, ठीक है। तो ये एक ओरिजिनल आइडिया है यहां पर, तो ई को हम फर्स्ट सेंटेंस ले लेंगे, बिलीव इट अ नॉट इट इज पॉसिबल टू लाफ विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ फनी इवेंट एंड सिमुलेटेड लाफ्टर कैन बी जस्ट एज बेनिफिशियल एज द रियल थिंग। सिमुलेटेड जो लाफ्टर है वो उतना ही बेनिफिशियल हो सकता है जितना कि रियल थिंग। अब यहां पर सिमुलेटेड लाफ्टर एक नाउन है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन चाहिए, तो वो प्रोनाउन है यहां पर, इट कैन इवन मेक, ये इट जो आया है ये सिमुलेटेड लाफ्टर के लिए आया है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ई के बाद आप लगा देंगे ए, इट कैन इवन मेक एक्सरसाइज मोर फन एंड प्रोडक्टिव। अब देखिए, यहां पर एक बैकग्राउंड मिल गया हमें, ठीक है, और बैकग्राउंड के बाद फिर हम यहां पर इस सेंटेंस से स्टार्ट कर देंगे इसको, इसमें क्योंकि क्योंकि इसमें सब्सटेंशिएट किया गया है जो हमने इससे पहले बात की गई है, उसमें इसको बताया गया है कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने ये फैक्ट को सही साबित किया है। पहले हमने उसका एक बैकग्राउंड बनाया, उसके बाद फिर इसमें उसका एक एक स्टेट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर,
तो इसके बाद हम डी ले लेते हैं। ए जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी फाउंड दैट इनकॉर्पोरेटिंग बाउट्स ऑफ सिमुलेटेड लाफ्टर इनटू एंड मतलब जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने क्या पाया है उसका एक फैक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। और उस फैक्ट के बाद फिर हम ये प्लस दिखा सकते हैं, मतलब पहले ये पाया है उसने और फिर ये पाया है, ठीक है। ये रिपोर्ट का एक पार्ट है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये प्लस मतलब ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और उसके बाद हो जाएगा अब देखिए इसमें क्या बताया है, टू ऐड सिमुलेटेड लाफ्टर इन योर ओन लाइफ सर्च फॉर योगा। यानी इसमें हमने ये बताया कि इससे ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर फिर इसको आप कैसे कर सकते हैं ये वो बताया, सॉल्यूशन बताया है। तो लॉजिकली DBC, ठीक है, ये आपका इसमें सही आंसर होगा। और इसके बेस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे, वो क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके बेस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पैराजंबल तो मैंने काफ़ी कराए हैं इस चैनल पर, और लॉजिकल एक्सरसाइज होती है पैराजंबल। यहाँ पर हम देखते हैं द कैट एंड माउस टैक्टिक। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में चार वर्ड बोल्ड में दिए रहते हैं, उसमें से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड या तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो सकते हैं या इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं। टैक्टिक सही है, पर्पजली सही है, पैनिक सही है, इनरेज की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर इनरेज का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्से में होना। इनरेज की स्पेलिंग एक्चुअली ENRAGE होती है। तो थर्ड इसमें सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी एक वर्ड या तो उसकी स्पेलिंग गलत होगी या वो इनएप्रोप्रिएट होगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये सेंटेंस है, इंडियन डेमोक्रेसी रोबस्टनेस इज, रोबस्टनेस सही है, फ्रेज सही है। कैंडिडेट की स्पेलिंग गलत है इसमें, टर्नआउट सही है, कैंडिडेट की स्पेलिंग गलत है इसमें। थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी रोबस्टनेस मतलब इंडियन डेमोक्रेसी की जो मजबूती है वो किस चीज़ के द्वारा अंडर स्कोर की जाती है, किस चीज़ के द्वारा हम उसको इम्फेसाइज करते हैं। हम उसको इम्फेसाइज करते हैं हाई वोटर टर्नआउट, कि इंडियन डेमोक्रेसी एक मजबूत लोकतंत्र है उसको हम अंडर स्कोर करते हैं, उसको हम इम्फेसाइज करते हैं किस चीज़ से, कि हाई वोटर टर्नआउट होना चाहिए। जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे वोटर्स आने चाहिए, वो उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। हाई वोटर टर्नआउट इन लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द फ्रे, जो जो फ्रे का मतलब होता है एक कोई भी कंपटीशन होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग कंपीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रे, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चंस ही मेरे को मिले हैं, और आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा उनके वीडियो क्लास बना के। इसका PDF आप लोग जरूर ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करना ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इन क्वेश्चन से बेनिफिट हो। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।